अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पीछे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में यह सच सामने आया है। लॉरेंस ने कबूला है कि सिद्धू मूसेवालों को उसके ही गैंग ने मौत के घाट उतारा है। कॉलेज के वक्त से विक्कू मुदिखेड़ा बड़ा भाई था, उसके गैंग ने उसकी हत्या का बदला लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि ये काम इस बार उसका नहीं है, क्योंकि वह जेल में बंद था और फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, लेकिन वह कबूल करता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसके गैंग का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा कि उसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला। लॉरेंस बिश्नोई के इस कबूलनामे से साफ हो गया है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड के अलावा उसके गैंग को जेल के बाहर से ऑपरेट करने वाला सचिन बिश्नोई भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था। मनसा में पंजाबी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 5 दिन हो चुके हैं। हत्या में इस्तेमाल कारें बरामद हो गई हैं। उत्तराखंड से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।